हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल बायोटेक सिविल में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू डिजाइन अ कॉलम रेनफोर्समेंट एज पर आईएस 456/2000 और हाउ टू डिजाइन अ स्टील अपर कॉलम एज पर आईएस कोड प्रोविजन ऑफ 456/2000। चलो दोस्तों, हम सब शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कॉलम, उसके बाद देखेंगे हम पेडिस्टल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉलम की डेफिनेशन। इफ द इफेक्टिव लेंथ इज ग्रेटर देन 3 times इज लैटरल डायमेंशन इज टर्म एज द कॉलम। और दूसरी डेफिनेशन है हमारी पेडिस्टल की। इफ द इफेक्टिव लेंथ इज लेस देन 3 times लैटरल डायमेंशन इज टर्म एज द पेडिस्टल। आप सभी लोग तो कॉलम जानते हो, लेकिन आपको क्वेश्चन आया होगा अब कि पेडिस्टल किसे कहते हैं। तो पेडिस्टल जो है कि इंडस्ट्रियल शेड आपने देखे होंगे, तो बड़े बड़े शेड रहते हैं, आपने वो देखे होंगे। उसमें क्या रहता है, नीचे एक कॉन्क्रीट का कॉलम रहता है और उसके ऊपर एक स्टील का कॉलम रहता है और मेम्बर रहता है समझ में। तो जो नीचे का जो कॉलम रहता है उसको हम कॉलम नहीं बोलते, उसको पेडिस्टल बोलते हैं। क्यों, पहले हमने डेफिनेशन में देखा है आपने कि इफ द इफेक्टिव लेंथ इज लेस देन 3 times इज लैटरल डायमेंशन इज टर्म एज द पेडिस्टल। कॉलम इन बिल्डिंग में क्या करता है अपना कॉलम, एक्सियल लोड तो लेता ही लेता है, उसके साथ ही थोड़ी फार मूवमेंट भी लेता है कि वो जनरेट होती है बिकॉज ऑफ अनसिमेट्री ऑफ अवर डिस्टेंस ऑफ बीम्स। हर डायरेक्शन कभी चारों साइड से बीम आए तो रेस्ट होंगे, तो कुछ एल शेप में होते हैं, कभी कभी एक ही कॉलम पे टी शेप में भी बीम रेस्ट होते हैं, कुछ कैंटिलीवर है तो उसके हिसाब से उसमें मूवमेंट भी जनरेट होती है। तो कॉलम से एक्सियल फोर्स के लिए डिजाइन करते हुए हमको मूवमेंट के लिए भी जनरेट करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है। आईएस कोड से देर आर मेनली 2 types ऑफ रेनफोर्समेंट। आईएस कोड 2 types पकड़ता है रेनफोर्समेंट के। सबसे पहले रेनफोर्समेंट को कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कर्सर जहाँ पे वो ब्लैक कलर है, रेड कलर वर्टिकल जो लाइन्स है, इस सब मेन बार से अपने वर्टिकल बार से उसे आईएस कोड कहता है लॉन्गिट्यूडनल बार, और हम हमारे लैंग्वेज में कह सकते हैं उसको प्रैक्टिकल लैंग्वेज में मेन बार। उसके बाद आता है ट्रांसफर रेनफोर्समेंट। ट्रांसफर रेनफोर्समेंट कौन सा, जो स्टीरअप्स रहती है, रिंग्स रहती है अपने कॉलम के, हम उसको ट्रांसफर रेनफोर्समेंट कहते हैं। जैसे कि वीडियो में देख रहे होंगे जो रेड कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, वो है अपने ट्रांसफर रेनफोर्समेंट और स्टीरअप्स। प्लान में आप देख रहे होंगे, प्लान है कॉलम का एक सेक्शन है, यहाँ पे हुक जो है हुक है वहाँ से कॉन्क्रीट कवर भी दिखाया है, उस हिसाब से अपना कॉलम एक्चुअल साइड पर कास्ट होता है। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट परसेंटेज इन कॉलम और मेन स्टील का परसेंटेज क्या होना चाहिए अपने कॉलम में, वो देखेंगे। तो सबसे पहले अपना आईएस कोड बताता है कि मिनिमम रेनफोर्समेंट जो भी होंगे अपने कॉलम मेन स्टील का कॉलम में, वो होना चाहिए 0.8%, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे कम क्यों नहीं होना चाहिए, उससे कम यदि आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो कॉलम में, तो आपका कॉलम डक्टाइल नहीं होगा, ब्रिटल ट्रिप फेल्योर हो जाएगा, इसलिए आपको 0.8% मिनिमम रखना ही है, क्योंकि डक्टिलिटी उस कॉलम में रहती है, कुछ हुआ तो डक्टाइल रहता है कॉलम। उसके बाद मैक्सिमम रेनफोर्समेंट। मैक्सिमम रेनफोर्समेंट क्या, आईएस कोड सेज दैट मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इज लेस देन और इक्वल टू 6%, बट हम कभी भी प्रैक्टिकली 6% का मैक्सिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते, इसको आईएस कोड भी रिस्ट्रिक्ट करता है। आईएस कोड क्लॉज के नीचे क्या बोलता है अपने को, बट प्रेफर करो आप कि हाँ 4% से ज़्यादा नहीं जाए, मतलब आपका रेनफोर्समेंट जो है कॉलम में मेन रेनफोर्समेंट लेस देन और इक्वल टू 4% ही होना चाहिए, उसके ऊपर आपने जाना नहीं चाहिए, ऐसा आईएस कोड कहता है। क्यों कहता है, यदि आप 6% रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते एक तो आपकी अनइकोनॉमिकल हो जाएगा कॉलम, दूसरा कंजेक्शन बहुत बढ़ जाएगा, कंजेक्शन बढ़ेगा तो आपको कॉन्क्रीट बराबर उस कॉलम के अंदर नहीं जाएगा, सो आपने वो नहीं देना चाहिए। अब जो दूसरा है उस क्लॉज के नीचे सबसे इम्पोर्टेंट क्लॉज है, कोई जल्दी पढ़ता नहीं है, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील शैल बी बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड रेजिस्ट द डायरेक्ट लोड एंड नॉट ऑन द एक्चुअल एरिया प्रोवाइडेड। इसका मतलब क्या है, यदि आपको कॉलम 700 kN का लोड ले रहा है, आप 230x380 कॉलम प्रोवाइड कर रहे हो, उसमें 6 बार प्रोवाइड कर रहे हो, एक एज पर साइट कंडीशन और एज पर आर्किटेक्चर रिक्वायर और क्लाइंट रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको कब 230x450 mm का कॉलम प्रोवाइड करना पड़ रहा है, उस टाइम पे आप 0.8% उस सेक्शन का नहीं लेंगे, तो जो आपका है 230x380 जिस जो लोड के लिए वो डिज़ाइन हो रहा है वो सेफ है, तो आपका मिनिमम परसेंट उसी के लिए लेना है, दूसरे कॉलम के लिए नहीं ले रहा है, क्योंकि आप वो आर्किटेक्चर व्यू के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी आई स्कूल में क्लॉज में कहा है। अभी 5वां देखेंगे हम पेडिस्टल। पेडिस्टल में मिनिमम रेनफोर्समेंट क्या है,
in case of pedestal, longitudinal reinforcement be provided is greater than or equal to 0.15% of the cross-sectional area of pedestal. IS code says that आप जो भी pedestal में reinforcement provide करेंगे वो 0.15% होनी चाहिए. इसके बाद देखते हैं minimum number of bar कितने होना चाहिए, क्या बोलता है IS code. तो सबसे पहले IS code बोलता है यदि आपका rectangular column है उसने आपने उसमें चार बार प्रोवाइड करने ही करने हैं. बाद में सर्कुलर होगा, सिक्स हेक्सागोनल होगा तो भी आपको सिक्स बार प्रोवाइड करने उसमें. हाँ तो मिनिमम डायोड बार कितना है तो 12 mm. आईएस कोड कहता है कि जब भी आप कॉलम डिजाइन करते हो तो आपका मिनिमम डायोड होना चाहिए बार का 12 mm, उससे कम आप ले नहीं सकते हो डायोड. तभी ट्रांसफॉर्म रेनफोर्समेंट, जैसे कि हमने पहले देखा है ट्रांसफॉर्म रेनफोर्समेंट इधर रिंग्स और अपने स्टीरअप्स होते हैं जो कि कॉलम को पकड़ के रखते हैं. कौन से क्लॉज में ये वाला है, तो क्लॉज 26.5.3.2 ऑफ आईएस 4/2000 स्टेट दैट ऑल लॉन्गिट्यूडनल बार्स ऑफ कॉलम मस्ट बी इंक्लोज्ड बाय लैटरल टाइज विद इंटरनल एंगल नॉट एक्सीडिंग 135 डिग्री और द स्पायरल्स. लैटरल टाइज, लैटरल टाइज आईएस कोड क्या बोलता है, डायमीटर ऑफ जो स्टीरअप्स है अपने, आईएस कोड क्या बोलता है देख लीजिए. डायमीटर ऑफ स्टीरअप्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार और डायमीटर ऑफ बार और 6 mm विच इज अ मोर. आईएस कोड का एक कहना है कि आपकी बार स्टीरअप्स की बार की जो साइज है ये तो 6 mm होनी चाहिए और जो आपका मेन डाया है उसकी 1/4 की साइज होनी चाहिए और इन दोनों में जिसकी ज्यादा है वो आपको एज अ डाया ऑफ स्टीरअप्स लेना है. इसके बाद देखेंगे पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स. पेसिंग के लिए आईएस कोड क्या कहता है, इज लेस देन और इक्वल टू लीस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम. यदि आपके कॉलम की साइज 230 है तो आपका मिनिमम स्पेसिंग होगा 230 और जो मेन बार है आपका 260 मतलब 20 mm का है आपका बार है तो 320 की स्पेसिंग और 300 यदि 12 का हो तो आप कैलकुलेट कर लीजिए. लेकिन एज अ प्रैक्टिकल कंसिडरेशन विद 6 mm पर यूज कर रहा है तो एट सपोर्ट 125 देते हैं और सेंटर टू सेंटर 175 mm प्रोवाइड करते हैं. कोई 8 mm की स्टीरअप यूज कर रहे तो वो एज यूजल 180 mm रखते हैं. उस तरीके से आप डिजाइन करोगे तो आपका कॉलम इसके ऊपर मिनिमम स्पेसिंग कभी देगा ही नहीं, आपको यहाँ तक ही देगा. इसके बाद देखेंगे स्पेसिंग ऑफ मेन बार मेजर अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द कॉलम. और इसका मतलब क्या है, जो आपके दो बार का डिस्टेंस रहता है 300 से कम ही होना चाहिए, 300 mm होना चाहिए. इसके बाद देखेंगे आप कवर, कवर कितने का होना चाहिए अपने कॉलम के लिए. कवर इज नॉट लेस देन 14. यदि आप कॉलम डिजाइन कर रहे हैं 230 mm का कॉलम दे रहे हो तो उसको मिनिमम कवर 40 mm, उससे नीचे का चलता ही नहीं. मार्केट में 25 mm यूज करते हैं, तो मैं बताऊंगा 25 mm कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, नेक्स्ट इसमें देखेंगे. देखो आईएस कोड कहता है व्हेन द कॉलम डायमेंशन इज 200 और लेस देन दैट कॉलम्स बार डू नॉट एक्सीड 12 mm और कवर ऑफ 25 mm भी यूज बोलते. इसका मतलब है यदि आपके कॉलम की साइज 200 है और उससे कम है उस केस में आपने तो 12 mm का ही बार यूज करना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए. दूसरा बोलता है उसी केस में आप 25 mm की कवर यूज कर सकते हो. आप साइड पे जाते हो तो कॉन्ट्रैक्टर 25 mm की कवर 230 के कॉलम के 9 इंच के कॉलम को लगाता है, वो गलत है. आपने बोलना चाहिए उनको 40 mm की ही कवर लगानी है. इसके बाद देखेंगे डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ कॉलम. जैसे कि हमने देखा था कि वो उससे पहले की लेस देन इक्वल 300 स्पेसिंग, दो बार की स्पेसिंग है देख रहे कर्सर यहाँ से इस बार की, वो 300 और लेस ही होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं. ज़्यादा हो रही होंगी आपको विड्थ कम करने पड़ेंगे कॉलम की या उसमें और एक बार ऐड करना पड़ेगा जो कि दो बार की डिस्टेंस कम कर सके. चलो हम देखते हैं टिपिकल अरेंजमेंट ऑफ कॉलम ऑफ स्टीरअप्स. यदि आपके दो बार का बीच में का डिस्टेंस 75 mm और उससे कम है तो आपको एक्स्ट्रा स्टीरअप देने की कोई जरूरत नहीं. लेकिन हम देखेंगे आप सेकंड फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि दो बार का डिस्टेंस ग्रेटर देन 75 mm, तो उस केस में आईएस कोड क्या कहता है, आपको दो रिंग्स प्रोवाइड करनी चाहिए. एक तो आप अल्टरनेट रिंग दे सकते हैं इस फर्स्ट पार्ट में और सेकंड रिंग इस सेकंड पार्ट में, या अभी दूसरा ऑप्शन भी दे सकते हैं आप, दूसरा ऐसा ही कर सकते हैं फुल रिंग देंगे और एक बीच दोनों कॉलम दोनों बार को जोड़ने वाली एक रिंग दे सकते हैं. तो मेरे ख्याल से ईयरिंग आपको इकोनॉमी देती है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं. आपको लगा तो कुछ इंजीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर ये यूज़ करते हैं कुछ स्ट्रक्चर इंजीनियर, तो आप पे डिपेंड आप कैसे यूज़ करना चाहिए. लेकिन आपने इसी डिटेलिंग पर ध्यान रखना चाहिए टू बी ए बूट स्ट्रक्चर इंजीनियर. इसके बाद देखते हैं एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर कॉलम रहता है उसमें कैसे रेनफोर्समेंट डिटेलिंग आ सकती है. यदि देख सकते हैं इसमें 8 बार
प्रोवाइड किए वाले चार कॉर्नर को और चार सेंटर को। इसमें उन्होंने दो टाइप्स के स्टेटस प्रोवाइड किए, फुल रिंग्स और एक सेंटर के कॉलम को अटैच करने वाले रिंग्स। क्यों इन्होंने एक्स्ट्रा रिंग प्रोवाइड की है, क्योंकि दोनों पहाड़ का डिस्टेंस जो है वो 75 mm से ज़्यादा जा रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसे स्टेटस यूज़। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझा होगा अच्छे से। आपको ये वीडियो समझा अच्छे से तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिए। आपको ऐसे वीडियो लग रहे होंगे आगे जाके तो कमेंट कर सकते हैं आपको किस तरह के वीडियो चाहिए कि आगे जाके मैं उस तरह के वीडियो आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू।